देखिए आज हम बनाएंगे नॉर्थ इंडिया की ट्रेडिशनल रेसिपी भकोसे, तो जो कि ये गेहूं के आटे और चने से बनती है। तो चलिए देखते हैं ये हमने कैसे बनाई है। तो देखिए पूरा, और एक बात और गाइस, पूरी जो हम ट्रिक एंड ट्रिक्स बता रहे हैं इसमें आप देखते रहिएगा, वो पूरे यूट्यूब पर नहीं होंगी, तो आप प्लीज लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं दाल के फरे, या कहीं कहीं पर उनको भकोसे भी बोलते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भकोसे। तो ये ले लिया हमने एक कटोरी आटा, ठीक है। पहले हम डो लगा लेते हैं फिर बनाते हैं आगे का। देखिए गाइस इसको कई कई नामों से जाना जाता है, भकोसे, दाल के फरे वगैरह सब कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये हमने लिया नमक हाफ, देखिए हमने नमक डाला है और इसको हम इसका डो लगा लेंगे। देखिए डो ऐसा लगाना है ना ज्यादा सख्त हो और ना ज्यादा मुलायम हो, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हम डो लगा लेंगे। ये देखिए गाइस हमारा डो लगकर रेडी हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल आटे वैसे ही बनाना है जैसे कि हम चपातियों के लिए बनाते हैं आटा, बस डो हमें उसी तरह से लगाना है। तो एक साथ करके इसको हम रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, तब तक हम आगे का इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने ये ले लिया एक पतीला बड़ा सा, या आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ठीक है। ये बिल्कुल लो बजट, मतलब बिल्कुल ऑयल इसमें नहीं होगा, ये बहुत जल्दी नाश्ता होता है। ये देखिए इसको हमने रखा है, ठीक है। तो अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ये पानी कम है अभी। ये देखिए गाइस आप देख रहे होंगे कि हमारा भगोना आधा हो गया। हमें पानी इतना डालना है कि जब हम अपने भकोसे बनाएं इसमें ऐड करें पकाने के लिए डालें, तो हमारे भकोसे अच्छे से डिप होने चाहिए, अच्छे से उनको पकने का मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते रहिए हमारी ये रेसिपी, बाकी हम क्या करते हैं देखिएगा। ये देखिए गाइस एक कटोरी दाल, ये चना दाल है, हाफ कटोरी हमने भिगोई थी। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिए आप, तो इस तरह से हो गई है कि आसानी से कट रही है, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें डालेंगे, इस दाल को पीसेंगे, ठीक है। इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। देखिए गाइस हम इसमें ज्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। ये 2 हरी मिर्च जो इसमें हम डालेंगे, और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा ये हम ऐड करेंगे, और इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए गाइस हमने ग्राइंड किया, बट अभी ग्राइंड नहीं हुआ, तो इसको क्या करेंगे हम स्पून से या हाथों से ही हम इसे छुटा देंगे, इसमें कर देंगे। एक बात और गाइस, इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए गाइस कोशिश ये करनी है कि हमको बिना पानी के ही इसको ग्राइंड करना है, ठीक है। और एक बात और, हमने इसमें उड़द दाल नहीं डाली है, ठीक है। आप चाहें तो उड़द दाल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए गाइस ये हमने मसाला ऐड बनाया है, ठीक है। ये हमारा नमक है जो कि हमने अपने आप बनाया है घर में, ठीक है। इसमें धनिया है, काली मिर्च है, धनिया है, मिर्च है और हींग है। तो इसमें सारे मसाले हैं जितने हमें जरूरत है, तो हम वो ऐड करेंगे। आपके पास अगर सारे मसाले ना हो तो आप हींग और धनिया, काली मिर्च और जीरा पाउडर, ये सब चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। तो हम इसको फिर से ग्राइंड करते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस अभी भी हमारा नहीं पिस रहा है, तो क्या करेंगे देखिए आपको दिखा रहे हैं। 2 स्पून पानी ऐड करेंगे इसमें, सिर्फ 2 से 3 स्पून, क्योंकि देखिए ज्यादा गीला नहीं हो करना है ना हमको, सूखा ही बेटर रखना है, इसलिए हमने 2 स्पून पानी इसमें ऐड कर दिया है। एक बात और गाइस, ये पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है आटे के फरे। ये पहले जब पुराने जमाने में मिक्सी वगैरह नहीं होती थी तो इसको हम सिल पर पीसते थे, इस वजह से उसमें पानी की जरूरत नहीं होती थी, एकदम सूखा बैटर बनता था। बट हम मिक्सी में पीस रहे हैं तो मिक्सी में थोड़ा सा पानी जरूरत पड़ सकता है। तो ये देखते रहेगा, अगर आपकी आपकी दाल या आपका बैटर ये गीला भी हो जाता है तो हम लास्ट में बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है। ये देखिए गाइस हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है पिसके, ठीक है। इस तरह से हमें बैटर चाहिए सूखा। एक बात और गाइस, अगर आप उड़द दाल डालते हैं तो उसमें उड़द दाल भी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है। अब हमने जैसे हाफ कटोरी दाल भिगोई है चने की, तो उसमें 2 से 3 स्पून आप डाल दीजिए उड़द दाल। तो चलिए इस बैटर को निकालते हैं अलग। ये देखिए गाइस हमने हरी धनिया हमारे पास नहीं है, तो ये जो हमने सुखा के हरी धनिया रखी है हम इसको इस पर डाल देंगे। आपके पास हरी धनिया हो तो आप हरी धनिया आप ऐड कर सकते हैं, काफी अच्छा लुक आएगा। और तीखा है, नमक है, ये आप अपने स्वाद के अनुसार करें। डाल दिया है, तो चलिए आगे देखते हैं।
देखिए गाइस, आप इसमें मसाले अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अमचूर पाउडर है, जलजीरा पाउडर है, अमचूर पाउडर है, या फिर चाट मसाला है, बट हमने ये सब नहीं यूज किया, हमने एकदम सिंपल से बनाया। तो चलिए देखते हैं आगे का। ये देखिए गाइस, हमने बैटर को ले लिया है अपना, ठीक है। तो ये बैटर हो चुका है, तो उसको सूखा आटा भी रख लिया है लगाने के लिए। तो अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे रोल करते हुए बराबर से लोइयां तोड़ लेंगे इस साइज की, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं हमें चाहिए, क्योंकि हमें छोटे छोटे बनाने हैं। तो इस साइज की हम सारी लोइयां तोड़ लेते हैं। देखिए गाइस, लोइयां भी तोड़ ली हैं, अब इनको हम गोल करते हुए ये देखिए इस तरह से, और सूखा आटा लगा लेंगे इसमें, और इसको हम बेलेंगे, ठीक है, इस तरह से छोटी पूड़ी की तरह बेलेंगे, जितनी छोटी हमारी पूड़ी होती है, ठीक है, अच्छे से बेलेंगे। बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, ये आप देख सकते हैं इतना करीब करीब। तो आप इसको हम ऐसे रखेंगे और उलट लेंगे इस साइड में, और ये देखिए इस तरह से एक स्पून इसमें रखेंगे बैटर को, जितना आ जाए आपके पास, ये देखिए स्पून से रखा, और इसको हम ऐसे करके उंगलियों से दबाते हुए प्रेस करना है गाइस। इसके साथ इस तरह से बन गया है, तो इसको हम साइड में रख देंगे, और इसी तरह से सारे बना के रख लेंगे इस तरह से। देखिए एक बर्तन है लिया, उसमें रख दिया, वो जो हमने पानी रखा था वो बॉयल हो चुका है अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक से दो स्पून ऑयल डाल देंगे। हमने देखिए एक से दो स्पून ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब ये ऑयल क्या करेगा, ये आपस में इसको चिपकने नहीं देगा, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके इसमें डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि पानी में बॉयल कम ना हो, पानी में बॉयल बराबर आता रहे। कवर कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए गाइस, बॉयल हो रहा है हमारे अच्छे से, और ये ऊपर भी आ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इनको हम हल्के हाथों से एक स्पून की सहायता से इनको पलट देंगे, ठीक है, जिससे कि ये सब तरफ से अच्छे से पक जाएं। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। देखिए गाइस, बच्चे हैं हमारे, दाल नहीं खाते, बट इस तरह से बहुत अच्छे से खाएंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से ऐसे पकने देंगे, 15 मिनट लगभग पकने देंगे, 15 मिनट में पक जाएंगे। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये हमने प्याज ले लिया है मीडियम साइज का, एक छोटा सा प्याज है, आप जिस हिसाब से मसाले खाएं वो ऐड करें। और ये देखिए इसमें डाल दिया, इसकी एक स्पेशल चटनी बनाएंगे। ये हरा मिर्च एक, जैसे देखिए इस तरह से करने से ना, जो बच्चों को अगर तीखा नहीं पसंद है तो आप उस तरह से भी निकाल सकते बिना फ्राई किए हुए। तो इनको फ्राई करने के लिए हम ये मसाला तैयार कर रहे हैं। तो देखिए एक हो गया है टमाटर, एक प्याज, एक टमाटर, एक हरी मिर्च, और एक इंच अदरक का टुकड़ा। और ये देखिए गाइस, स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि देखिए हमने दाल में भी नमक ऐड किया हुआ है, आटे में भी नमक ऐड किया हुआ है, और इस चटनी में भी नमक ऐड कर रहे हैं। तो नमक अपने हिसाब से आप ऐड करें, ठीक है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा पिस चुका है, बट हमने थोड़ा सा दरदरा रखा हुआ है। तो चलिए अब ये हमारे पक जाते हैं फरे उस भकोसे, उसके बाद में हम मिलते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारे पक चुके हैं, तो इसको हम बंद कर देंगे फ्लेम को, और इसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। ये देखिए गाइस, इस तरह की स्टैंडर्ड ले लेंगे, लगभग सबके यहाँ होती है, और इसमें हम निकाल निकाल के ऐसे रखते जाएंगे, जिससे कि जो हमारी ये फरे हैं वो बिल्कुल पानी उनसे निकल जाए। तो अच्छे से हम निकाल लेंगे, ठीक है, मगर साधारण ढंग से निकालना है, क्योंकि इस समय पर बड़ा मतलब ये चीज नाजुक होती है, जो ये खराब हो सकते हैं, इसलिए इसको आराम से निकालेंगे। तो निकालते हैं और ठंडे करते हैं, फिर मिलते हैं। आप देखिए आगे का प्रोसेस गाइस, एक पैन रखेंगे गाइस। अब हमने डाला हुआ है अपना जीरा, जो कि एक स्पून है, इसको अच्छे से तड़का लेंगे। देखिए जीरा और सरसों आप दोनों डाल सकते हैं, हमने सिर्फ जीरा डाला क्योंकि हमारे बच्चों को सरसों दाना नहीं पसंद है, बहुत कम पसंद है, तो इस वजह से इसको तड़काएंगे। ये देखिए जीरा हमारे भुन चुका है, और अपने जो ये पेस्ट चटनी हमने पीस बना के रखी थी इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको अब हम भून लेंगे। एक बात और गाइस, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची, मतलब मिर्ची पाउडर, ठीक
ठीक है, रेड मिर्ची पाउडर और आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। बट देखिए हमने पहले भी बताया कि हम बहुत बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल कम मसालों में बनाएंगे चीज, ठीक है, और ये नाश्ता बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी होगा। ठीक है, तो इसको अब हम पकाते हैं। और एक बात, ये देखिए गाइस, ये हमारा ठंडा भी हो चुका है नाश्ता, तो इसको अब हम एक नाइफ की सहायता से मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप चाहे दो पीस करें, आप चाहे एक पीस करें, तो उस हिसाब से कट करके फिर मिलते हैं। देखिए गाइस, इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। अगर आप चटनी खाते, चटनी मतलब लहसुन खाते हो, तो आप लहसुन की कलियां भी डाल दीजिए दो चार, ठीक है, दो से चार कलियां। और आप इसको हम अच्छे से इसमें डालेंगे धनिया हरी, ठीक है, और भी आप तीखा स्पाइसी बना सकते हैं अपने हिसाब से, बट हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने सर्व कर दिया है, ठीक है। हरी धनिया आपके पास हो तो हरी धनिया ऐड कर लीजिए, हमने सूखी धनिया ऐड करी है। और ये रहा पॉक, और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो आप देखिए, आप तीखा अपने हिसाब से बनाए, अगर बच्चों के हिसाब से बनाते तो आप इसको मेयोनीज के साथ, चाय के साथ बहुत 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 यम्मी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये रेसिपी बनाने के लिए बस यही है कि आप आटा का जो डो लगाते हैं तो आप जैसे ना ज्यादा हार्ड लगाएं ना ज्यादा लूज लगाएं, आटे का डो नॉर्मल होना चाहिए। और गाइस, दाल बिना पानी का दाल है, उसमें पानी ना ऐड करें, ऐसे ही दाल पीसें, ठीक है। और अगर दाल हमारी किसी बाय चांस नहीं पीस रही है, पानी ऐड करना पड़ा, अगर आपकी दाल थोड़ा सा पानी वाली हो जाती, गीली हो जाती है, तो आप कुछ ना करें, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसमें थोड़ा सा सूजी या फिर पोहा या फिर आप बेसन ऐड कर दें, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज ऐड कर दें। देखिए, सूजी भी पानी को अब्सॉर्ब करती है और पोहा भी अब्सॉर्ब करता है, और बेसन तो होता ही है चने का, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और गाइस, एक बात और, सबसे बड़ी बात कि आप चने की दाल की या बेसन की कोई भी चीज ऐड बनाएं, उसमें हींग जरूर ऐड करें। तो आज की हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।